दोस्तों टेक दुनिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। स्टूडियो में आपसे बात करता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के कुछ लेटेस्ट और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पल पल के खबरों से रहना चाहते हो अपडेट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए टेक दुनिया में। दोस्तों आज के लिए जो पहली अपडेट है वो हम सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप में से बहुत कम ऐसे यूजर्स होंगे जिनको ये पता होगा कि आप जो इंडिया के अंदर अभी जीपीएस सर्विसेज यूज कर रहे हो, फिर चाहे वो लोकेशन के लिए हो या फिर नेविगेशन के लिए हो, उसके लिए इंडिया के पास ना तो कोई अपना जीपीएस मॉड्यूल है और ना ही इंडिया के पास कोई अपना जीपीएस सैटेलाइट है। हम जीपीएस की सारी सर्विसेज के लिए यूएसए की जीपीएस सैटेलाइट या फिर रसिया के जीपीएस सैटेलाइट जिसका की नाम है ग्लोनास, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर इन दोनों कंट्रीज ने अपने अपने जीपीएस सैटेलाइट्स की डेटा हमसे शेयर करना बंद कर दिया तो हम इंडिया के अंदर जीपीएस की सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे। और भारत जैसी कंट्रीज जिसको कि बॉर्डर पे हजारों दुश्मन है, हमारे देश में हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, और ऐसी कंट्री के लिए एक खुद का जीपीएस सैटेलाइट होना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको पास्ट का एक घटना याद दिलाता हूं। दोस्तों 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे इंडियन आर्मी ने यूएसए से कुछ जीपीएस डेटास की मांग की थी, जिसके मदद से दुश्मनों के लोकेशन के बारे में पता किया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई की जा सके। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका ने इंडिया से, इंडियन आर्मी से कोई भी जीपीएस डेटा शेयर करने से मना कर दिया था। और इससे आप ये समझ सकते हो कि किसी भी कंट्री के इंटरनल या फिर कोई भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जीपीएस का होना कितना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली कल इंडिया ने अपना पहला जीपीएस मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा गया है यू ट्रैक। दोस्तों यू ट्रैक इसरो द्वारा निर्मित, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित जो एक सैटेलाइट है जिसका की नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सर्विस IRNS, इससे सिग्नल्स प्राप्त करेगा और इसी पे वर्क करेगा। दोस्तों IRNS बिल्कुल ही स्वदेशी तकनीक से बना है और ये पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है इसरो के द्वारा। मतलब इसको बनाने में या फिर इसको मेंटेनेंस में किसी भी तरीके का किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी विदेशी लोग, टेक्निक, ऐसा किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और इंडिया का अपना जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम होना इंडिया के सुपर पावर बनने की ओर बहुत ही बड़ा कदम है। दोस्तों इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हो बताना जरूर नीचे कमेंट में। दोस्तों अगली अपडेट एक ऐसे नैनो पार्टिकल से रिलेटेड है जो कि पानी को साफ कर सकता है कुछ मिली सेकेंड्स में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा नैनो पार्टिकल डेवलप किया है जो कि अभी जितने भी वाटर प्यूरिफाइंग टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे 100 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। दोस्तों उन्होंने ये बताया है कि ये नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए गए एल्यूमिनियम और गैलियम के अलॉय की मदद से। अभी प्रेजेंट टाइम में दूषित पानी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आपसे एक डेटा शेयर करता हूं, आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी हमारे दुनिया में मात्र 10% ऐसी आबादी है जिनके पास साफ पानी का एक्सेस है। मतलब कि 90% ऐसी आबादी है जो कि अपने डेली की यूज के पानी के लिए गंदे पानी पर निर्भर है, मतलब उनके पास साफ पानी नहीं है। और ऐसे किसी दुनिया में जहां पे 90% आबादी गंदे पानी पे जी रही हो, वहां पे किसी ऐसे नैनो पार्टिकल का डेवलप होना जो कि चीप हो, जो कि वाइडली रीचेबल हो, गरीब लोग भी उसको यूज कर पाए, एक वरदान से कम नहीं है। देखते हैं ये नॉर्मल लोगों के यूज के लिए कब अवेलेबल होता है और अगर ऐसा होता है तो ये कितना हेल्प हमें अपने पानी को साफ करने के लिए कर सकता है। दोस्तों इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हो बताइएगा जरूर नीचे कमेंट में। दोस्तों अगली अपडेट आप सभी क्रिकेट लवर्स के लिए। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक रिलीजियन है। और पिछले कुछ सालों में जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से इंटरनेट का यूज हम ज्यादा करने लगे हैं, क्रिकेट देखने के तरीके में भी बहुत सारे चेंजेस आए। पहले क्रिकेट देखने के लिए सिर्फ दो साधन थे, पहला था टीवी, दूसरा था रेडियो। या तो आप टीवी पे लाइव देख लो या फिर आप रेडियो पे कमेंट्री सुन लो। लेकिन जब से जियो टीवी या फिर एयरटेल लाइव, हॉटस्टार ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं, आप वहां पे क्रिकेट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो अपने फोन पे या फिर अपने कंप्यूटर्स पे। लेकिन हमेशा इन एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते थे। मतलब कि अगर इंडिया के मैचेस इंडिया में हुए तभी आप देख सकते हो, वनडे देख सकते हो, T20 देख सकते हो, टेस्ट मैचेस नहीं देख सकते, इंटरनेशनल मैचेस देख सकते हो, डोमेस्टिक मैचेस नहीं देख सकते। लेकिन कल जियो टीवी ने BCCI के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया से डील किया है और इस डील के मुताबिक आने वाले 5 सालों तक आप जियो टीवी पे इंडिया के हर इंटरनेशनल T20 मैच, हर इंटरनेशनल वनडे मैच और हर इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस देख सकोगे बिल्कुल ही लाइव। और साथ ही साथ BCCI के जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर चाहे रणजी ट्रॉफी और ऐसे जो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं इंडिया के अंदर, आप उन सभी की लाइव स्ट्रीमिंग जियो टीवी पे आने वाले 5 सालों तक देख सकोगे।
और सबसे मजेदार बात यह है कि जियो टीवी पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज देना नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ आपके पास एक जियो का सिम होना चाहिए और आप जियो टीवी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। दोस्तों अगली अपडेट सैमसंग के पहले ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाले फोन से रिलेटेड। दोस्तों सैमसंग ने साउथ कोरियन मार्केट में एक नया फोन लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी A7 के नाम से, और इस फोन की प्राइस है 350 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद होते हैं रफली 30,000 रुपए। और दोस्तों 30,000 रुपए के फोन में सैमसंग ने जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सैमसंग के इस A7 में आपको मिलता है 6.1 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले और ये रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे। इस फोन में आपको मिलता है एक प्रोसेसर जो कि है एक ऑक्टा कोर और इसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz की। दोस्तों वैसे प्रोसेसर किस ब्रांड का है या फिर इसका नाम क्या है इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं गैलेक्सी A7 के बेसिक हाईलाइट की। दोस्तों गैलेक्सी A7 सैमसंग का पहला फोन है जिसमें कि आपको पीछे की ओर मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, मतलब इस फोन में आपको पीछे मिलेगा टोटल 3 कैमरा, जिसमें कि पहला कैमरा है 24 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेंसर, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर और तीसरा है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों इसमें जो कैमराज हैं उनमें जो 24 मेगापिक्सल वाला सेंसर है उसकी अपर्चर है f1.7 और जो 8 मेगापिक्सल वाला वाइड सेंसर है उसकी अपर्चर है 2.4 और जो 5 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर है उसकी अपर्चर है f2.2 और सामने की ओर इसमें आपको सेल्फी के लिए दिया गया 24 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों साथ ही साथ इस फोन में आपको जो बैटरी मिलेगी वो भी बहुत ही पावरफुल मिलेगी और मेरे हिसाब से अगर पर्सनल ओपिनियन में मैं बोलूं तो 30,000 के रेंज में सैमसंग का ऐसा स्पेसिफिकेशंस देना, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड, सुपर AMOLED डिस्प्ले, उसके बाद ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप, ये शायद सैमसंग का एक गेम चेंजर स्मार्टफोन हो सकता है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिकेशंस पहले भी सैमसंग के द्वारा देखने को मिलते थे लेकिन वो आपको प्राइम सेगमेंट में मिलते थे, मतलब 40 प्लस या फिर 50,000 प्लस के स्मार्टफोन्स में, लेकिन 30,000 के रेंज में ऐसा स्पेसिफिकेशंस हो सकता है कि सैमसंग के लिए गेम चेंजिंग स्मार्टफोन हो। वैसे अभी इंडिया में ये कब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों अगली अपडेट एक रिपोर्ट से रिलेटेड है जिसे पब्लिश किया है काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने। दोस्तों इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसके हिसाब से जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग हो या फिर ऑडियो स्ट्रीमिंग हो, सोशल नेटवर्किंग हो या फिर कोई भी और ऑनलाइन एक्टिविटीज हो, उन सभी में से मैसेजिंग बन के उभरी है सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे वाइडली यूज्ड ऑनलाइन एक्टिविटी। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसके हिसाब से जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं ऑन एन एवरेज वो सभी एक दिन में अपने फ्रेंड्स या फिर अपने लव्ड वन से टच में रहने के लिए 30 मिनट का समय देते हैं इस मैसेजिंग एप्लीकेशंस पे। मतलब आप सभी हर दिन ऑन एन एवरेज 30 मिनट किसी भी चैटिंग वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे स्पेंड करते हो। दोस्तों इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 50% ऐसे यूजर हैं जो कि चैटिंग या फिर मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक, इन दोनों एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, और 20% ऐसे यूजर हैं जो कि व्हाट्सएप के साथ साथ हाइक का यूज करते हैं इसी तरह की चैटिंग और मैसेजिंग के लिए। दोस्तों आप ऑनलाइन कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आप सबसे ज्यादा टाइम ऑनलाइन किस चीज में स्पेंड करते हो, बताना जरूर नीचे कमेंट में। दोस्तों आज के लिए जो लास्ट अपडेट है वो है नोकिया के नए फोन से रिलेटेड। नोकिया लंदन में 4 अक्टूबर को एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस नए स्मार्टफोन का नाम या तो होने वाला है नोकिया 7.1 प्लस या फिर इस नए स्मार्टफोन का नाम होगा नोकिया 7X। वैसे तो इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है लेकिन कुछ पिक्स इमेजेस लीक हुई हैं ऑनलाइन, और जो भी इमेजेस ऑनलाइन लीक हुई है उसके मदद से ये पता चलता है इस नए स्मार्टफोन की जो डिजाइन होगी वो बिल्कुल ही नोकिया के 6.1 प्लस जो कि हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च किए गए थे उसके बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगी। इस फोन में भी आपको नॉच सपोर्ट वाला फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा और खास बात इस फोन की ये है कि इस फोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर जो कि है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz की। दोस्तों स्नैपड्रैगन का 710 स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट 700 सीरीज का पहला प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन के 660 जो कि एक बजट प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन का 845 जो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड है, इन दोनों के बीच का एक सीरीज है स्नैपड्रैगन 700 और उसी सीरीज का पहला प्रोसेसर है 710 और 710 नोकिया के 7.1 प्लस या फिर नोकिया के 7X में आता है तो फिर ये स्मार्टफोन होगा स्नैपड्रैगन का 700 सीरीज का पहला स्मार्टफोन। दोस्तों ये थे आज के लिए कुछ अपडेट्स जो कि आपको जानने चाहिए। दोस्तों टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, हर चीज बेस्ड है टेक्नोलॉजी पे, आज सारा काम टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जानना जरूर चाहिए।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको वीडियो या फिर मेरे चैनल रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।